ओम शांति। महात्मा बुद्ध एक बार किसी गांव में पहुंचे और वहां पर उनका प्रवचन था, तो एक छोटी सी कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी आपको सुनना है, आप मेरे लिए रुकना, अभी मुझे घर में बहुत काम है, क्योंकि घर में कोई है नहीं। और वो घर चली जाती है और कई लोग जमा हुए हुए होते हैं, तो महात्मा बुद्ध आकर बैठते हैं और प्रवचन का समय हो जाता है, फिर भी वो प्रवचन चालू नहीं करते। सभा में देखते रहते हैं कि वो कन्या कहाँ है, पर वो कन्या अब तक आई नहीं है। तो कई देर तक वो इंतजार करते हैं। लोग कहते हैं, अब किस लिए इंतजार कर रहे हैं, चालू कर दीजिए। वो कहते हैं, नहीं, किसी ने मुझसे कहा था कि आएगा, आएगी, तो वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। सबको लगता है जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई प्रतिष्ठित VIP कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है। तो शिष्य भी उनके समझाते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है कौन आने वाला है। वो कहता है, एक छोटी सी कन्या के लिए आप रुके हुए हो, छोड़ो उसको, वो आए ना आए, वो तो छोटी सी बालिका है, उसको वैसे भी कितना समझ में आएगा, न भी आए वो तो ऐसे ही बोल दिया होगा उसने खेल खेल में कि आती हूँ करके, तो इतना उसको गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, वो जब तक नहीं आएगी चालू नहीं करेंगे। तो बहुत समय के बाद फिर वो कन्या आती है और सामने बैठती है, और तब जाके फिर महात्मा बुद्ध प्रवचन चालू करते हैं। तब तक लोग बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और सबको आश्चर्य होता है कि अच्छा, इसके लिए रुके थे, और तरह तरह के व्यंग बाण भी छोड़ते हैं। और वहां कुछ समय रहते हैं वो, और उस पूरे गांव में इतने दिन प्रवचन करते हैं, पर किसी को तीर नहीं लगता है। उस एक छोटी सी कन्या को ही तीर लगता है, और वही जाकर फिर उनके संघ को, संघ में आती है और भिक्षुणी बनती है। बाकी जितने थे वो केवल इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। वो जो शिक्षाएं उनकी थी, धर्म की, धम्म की, त्याग की और वैराग की, वो और कोई नहीं सुन पाता, समझ पाता। वो एक ही कन्या होती है जिसको तीर लगता है और वो संसार त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार होती है और उनके पीछे आती है। तो उन्होंने परख लिया था कि इसमें क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, केवल चेहरे से। वैसे ही इतिहास में कल भी उदाहरण दिया था चाणक्य का, छोटा सा चंद्रगुप्त और धनानंद का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना क्रूर, अत्याचारी, आतताई, बर्बर, ऐसे विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उस छोटे से चंद्रगुप्त को चुना, जो कि अभी बच्चा है, जिसे संसार का कोई ज्ञान नहीं है, और ऐसे छोटे बच्चे को खरीद कर वो ले जाता है गंधार की राजधानी तक्षशिला, और वहां उसका प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण भी कैसा, कि जैसे बाकी विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हो रहा है वैसे उसका नहीं होता है, कठोर से कठोर परीक्षण होता है उसका, कठोर से कठोर परीक्षा है उसे देने के लिए बाध्य करता है वो आचार्य, तब, क्योंकि वो उसमें अखंड भारत का एक स्वप्न देखा, उसने जो देखा है वो उसमें दिखाई देता है उसको, छोटे से बच्चे में उसकी क्षमता है, उसकी सुषुप्त शक्तियों को वो देखता है कि इसमें वो पावर है कि ये भारत का नेतृत्व करेगा। वहां के आचार्य उससे पूछते हैं,
तो तुम इस बच्चे को लेके आए हो, तुम इसे राजा बनाना चाहते हो? चाणक्य कहते हैं राजा नहीं, सम्राट। और किसका सम्राट? भारत का सम्राट, अखंड भारत का सम्राट। अखंड भारत अर्थात जिसने अफगानिस्तान तक, इतना बड़ा वो भारत। भारत तो अभी बहुत छोटा हो गया है, पहले भारत का नक्शा ऐसा नहीं था जैसे अब है, वो बहुत बड़ा उधर पूरा गंधार तक था, इधर भी बर्मा से लेके सब कुछ बहुत सारा था, विशाल भारत था, अखंड भारत, सब कुछ भारत ही था। और एक ज्ञान की बात है कि वो चाणक्य जो अखंड भारत का स्वप्न देखता है, क्या वो आत्मा यहां पर है इस समय? वो देव कुल की ही आत्मा होनी चाहिए, वो देवी देवता की ही आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि जो अखंड भारत में था सतयुग त्रेता में, वही द्वापर से अखंड भारत का स्वप्न देख सकता है। इतने 16 जनपदों में बटा हुआ भारत, जहां पर हर एक राज्य अपने अपने पारस्परिक संघर्ष में लगे हुए है, वाद विवादों में, अलगाववाद जहां है, वहां पर अखंड भारत का स्वप्न देखना किंग मेकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी आत्माएं यही की होनी चाहिए, संभव ही नहीं है कहीं बाहर की हो। तो छोटे से बालक की सुषुप्त शक्तियों को देख लेना। उसकी मां के साथ बहुत सुंदर वार्तालाप है चाणक्य का। उसकी मां के पास जाता है और वो कहता है, उसकी मां पूछती कि आपने ही इसका उपनयन संस्कार किया है? वो कहता है हां। क्यों? वो कहता है मुझे चंद्रगुप्त चाहिए। तो एकदम पकड़ लेती मां, मैं नहीं दूंगी। वो कहता है मैं इसे ले जाने आया हूं। वो कहती है मैं इसकी मां हूं, आपको क्या अधिकार है? वो कहता है मैंने इसे अपने ज्ञान के गर्भ में धारण कर लिया हूं, तुम भले इसकी मां हो पर मैंने अपने गर्भ में इसे धारण कर लिया है, ज्ञान के गर्भ में। वो कहती है मैं नहीं दूंगी। वो कहती है तेरा ये स्वार्थ है और आप इसे ले क्यों जाना चाहते हो? वो कहते मेरे स्वार्थ के लिए। कौन सा स्वार्थ? क्योंकि तू मेरे देश की समस्याओं को नहीं जानती और मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौन है, और तू इसे रोकेगी तो भी मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाने आया हूं। तो वो छोटे से चंद्रगुप्त को ले जाता है और ऐसा भयंकर कठोर प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है कि वो फौलाद की तरह बन जाए, उसके मन, उसका शरीर, मन और आत्मा, इन तीन का वो प्रशिक्षण देता है, उनको सशक्त बनाता है, और वो बनता भी ऐसा ही है, भारत का प्रथम सम्राट। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो किनको देखता है? इन छोटी छोटी कुमारियों को देखता है और उनको ऐसे ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है कि उनके अंदर की जो सुप्त शक्तियां थी वो जागृत हो जाती है। नहीं तो कहां छोटी छोटी कन्याएं, क्या उनका भाग्य होता है, क्या भविष्य होता है? शादी करती है, बच्चे बच्चे आ जाते हैं और सारा जीवन बच्चे, पति और घर को संभालने में लग जाता है, इस चार दीवारी से बाहर निकल ही नहीं पाती वो, बस इसी में बंधन में फंसी रहती है। ये वैसा ही है जैसे एक आदमी जा रहा है और वो देखता है बड़े बड़े हाथी एक जगह पर है और सभी हाथियों के पैरों में छोटी छोटी पतली पतली सी सलाखे, चेन, बेड़िया है, जंजीरे। तो उसको आश्चर्य होता है कि ये हाथी इतने विशाल काय भागते क्यों नहीं, ये तो कभी भी तोड़ सकते हैं। एलिफेंट ट्रेनर जहां खड़ा होता है वो हाथियों का प्रशिक्षण देने वाला, उसको पूछता है ये हाथी भागते क्यों नहीं? तो क्या कहता है? क्योंकि जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब उनको ये बेड़िया पहनाई गई थी,
और तब उनके मन में ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, बिलीफ सिस्टम उनके बीच में इतना गहरा चला गया है कि हम छूट नहीं सकते। अब ये बड़े भी हो गए तो भी उनको क्या लगता है कि हम नहीं छूट सकते, इसलिए वो बंधे रहते हैं। स्त्री की स्थिति भी भारत में ऐसी ही थी, बंधी हुई, उसके मन में बचपन से ही डाल दिया जाता है, वैसे ही डाला जाता है, वैसे ही बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि वो पुरुष से नीचे है। ऐसे समाज में भगवान जब आता है तो क्या काम करता है, इन कुमारियों को जगाता है, उनके अंदर की शक्तियों को जागृत करता है और उनको ऐसे तैयार करता है कि वो सारे जगत का नेतृत्व कर सके, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें भर देता है। और उनमें भी वह ऐसी कन्याओं को चुनता है कि जिसमें सहज नेतृत्व कला है, जो केवल पुरुषों को नहीं विश्व को चला सके, ऐसा काम वो देता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर ग्रुप से, 3 ग्रुप तो हो गए, चौथा ग्रुप तुम सब कौन हो, 1 कन्या 100, 1 कुमारी 100 ब्राह्मणों के समान। कुमारी पूजन का नेपाल में बहुत ज्यादा गायन है, बचपन से ही तैयार किया जाता है और उनकी बहुत संभाल की जाती है, 3 साल की होती है तभी से, मतलब उनकी उनका प्रशिक्षण सब कुछ उस तरह का होता है, पैर भी जमीन पे उनके नहीं पड़ने चाहिए, कालीन बिछाई जाती है उनको। कुमारी पूजा भारत में भी है, सब जगह है, परंतु कई कई जगह विशेष रूप से है कि उनको साक्षात देवी ही माना जाता है, अवतार, कोई जागृत देवी। तो भारत में गायन है 100 ब्राह्मणों से उत्तम, ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ वर्ण है, ब्राह्मण लौकिक ब्राह्मण, 4 वर्ण भारत में है उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ब्राह्मण और उसकी चोटी उसका जनेऊ, ये बहुत ऊंचे कोटि के लोग हैं, इनको बहुत सम्मान है, इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, राजा भी ब्राह्मणों का सम्मान करता है। तो यहां भगवान क्या कह रहा है, ऐसे 100 ब्राह्मण एकत्र हो जाए, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, कन्या है, तो कन्या अर्थात 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ, कन्या अर्थात 100 ब्राह्मणों को लाने वाली, तैयार करने वाली, और 100 नहीं पूरे विश्व को, 100 तो बहुत छोटा आंकड़ा है, तो एक एक कन्या को कितने तैयार करने हैं, 100 ब्राह्मण, और एक एक कुमार को कितने तैयार करने तो तैयार करने अर्थात केवल ज्ञान में लाना नहीं, योगी बनाना, कितनी तपस्वी आत्माओं को हमने तैयार किया है, यह सबसे ऊंची सेवा है। केवल कोर्स करा देना और ज्ञान में चल पड़ना वो तो चलो पार्ट ऑफ द करिकुलम, पार्ट ऑफ द कारोबार ये स्वतः होते रहेगा, पर उनमें से उनको पालना देना, उनको सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना, इतना सशक्त कि वो दूसरों को शक्तिशाली बना सके, तो 1 कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मणों से उत्तम, अर्थात 100 ब्राह्मणों को तैयार करने वाली, ये सबसे पहली बात थी। दूसरा, कुमारी अर्थात महान आत्मा, कुमारी अर्थात महान आत्मा, ये बड़े ऊंचे समान है कि मैं महान हूं। कुमारी अर्थात राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड से क्या होता है, शुभ कार्य होते, अच्छे कार्य होते, सीधे कार्य होते, लेफ्ट हैंड नहीं, कुमारी अर्थात राइट हैंड, कुमारी अर्थात पूज्य, जिसकी पूजा हो, कुमारी अर्थात देवी, दासी नहीं, कुमारी अर्थात क्या, देवी, शिव शक्तियां,
शेरनी शक्तियां, कमजोर नहीं, अबला नहीं, निर्बल नहीं, दुर्बल नहीं, बहादुर, शक्तिशाली। तो कुमारी अर्थात देवी, और देवी में भी देने वाली देवी, में भी मुस्कुराती हुई देवी, रोती हुई देवी नहीं, फीलिंग प्रूफ देवी, रोना प्रूफ देवी, रूठना रूसने वाली देवी नहीं, शक्तिशाली देवी। तो मुस्कुराने वाली देवी, देने वाली देवी, उमंग उत्साह भरने वाली और रहने वाली उमंग उत्साह में, ऐसी देवी, और दूसरों को शक्तिशाली बनाने वाली। स्वामी विवेकानंद से कभी किसी ने विदेश में पूछा था, एक समाज सेवक आया और उसने कहा कि भारत की जो स्त्रियां हैं बड़ी दुर्बल है, अबला नारी, इनके लिए आपको कुछ कहना है क्या? मतलब आप कुछ इनके लिए भी कर पाएंगे, इनकी मदद करने के लिए भी कुछ करो? तो उन्होंने कहा था, हैंड्स ऑफ, लीव देम अलोन, वो उन्हें हमारी मदद नहीं चाहिए, वो खुद ही इतनी शक्तिशाली है कि वो दूसरों की मदद करेगी, ये मत समझो कि वो कमजोर है, वो है ही इतनी शक्तिशाली कि वो दूसरों की मदद कर सकती है, ये सोचना भी मत कि हम उनकी मदद करेंगे। तो कुमारी अर्थात महान, कुमारी अर्थात पूज्य, कुमारी अर्थात देवी, कुमारी अर्थात मुस्कुराती हुई देवी, कुमारी अर्थात रोना नहीं, कुमारी अर्थात भाग्यशाली, कुमारी अर्थात श्रेष्ठ, कुमारी अर्थात राइट हैंड, देने वाली। कैसे देने वाली? दृष्टि से, मन से, हाथों से, हर बात से आत्माओं को देने वाली। तो ये एक एक समान भी यदि याद रहे कि हम वो है जो दूसरों को जगाने के लिए आए हैं, हमारा जीवन अपने लिए नहीं हो, केवल केवल अपना पुरुषार्थ चालू है बस, ये बहुत छोटी भावना है। हमारा प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण औरों के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए देने के लिए होना चाहिए। सूक्ष्म में यदि मुख से नहीं कर रहे, स्थूल भी नहीं कर रहे, तो मनसा से आत्माओं को सशक्त बनाना है, मनसा से आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कन्याएं हो, स्कूल कॉलेज की कन्याएं नहीं हो। आज की मुरली में भी है, कॉलेज के बारे में क्या कहा, खराब हो पढ़ते हैं कॉलेज में, क्या होते, खराब हो पढ़ते, ऐसा संसार तमोप्रधान है, काम में फंसे और गए, काम में फंसे और गए, भागंती हो जाते हैं यहां से। जैसे वहां कर्फ्यू लगता है या कुछ होता है तो ऑर्डिनेंस निकलता है, शूट एट साइट, वैसे यहां पर ऑर्डिनेंस निकालते हैं बाबा, विकार में गए और शूट हो जाएंगे। तो स्कूल कॉलेज की कन्याएं नहीं है, लड़कियां नहीं है, ईश्वरीय कन्याएं, देवियां है। अपने आप को लड़की नहीं समझो, कई मुरलियों में कहा है बाबा ने, शक्ति समझना, देवी समझना, शिव अर्धांगिनी, शिव प्रिया। तो ये ऊंचे समान है। तो तुम देवियां हो, देने वाली हो, मुस्कुराती हुई हो, रोने वाली नहीं हो। खुद ही यदि कमजोर है तो दूसरों को कैसे शक्तिशाली बनाएंगे? भक्त क्या कहेंगे अगर देवी को रोता हुआ देख लेंगे तो? और किसी के संग में आने वाली नहीं है, मां बाप के भी, मां बाप के रंग में रंगने वाली, अपने रंग से दूसरों को रंगने वाली है। मां बाप यदि विघ्न डाले तो? बकरी नहीं है, गाय नहीं है, कोई भी चराते हुए अपने साथ लेके चला जाए। तो शक्ति, और शक्तिशाली बनने की विधि है शक्तियों का आह्वान।
मुझ में सारी शक्तियां विराजमान है, मैं शक्तिशाली हूं, यह संकल्प भी शक्ति भर देगा। निरंतर शक्ति का चिंतन करते रहना, निरंतर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लक्ष्य को याद करते रहना, मुझे ये करना है और अभी जैसे कहा अब नहीं तो कब नहीं, समय का भान हो कि समय बहुत ही थोड़ा है और इतने थोड़े समय में मुझे सब कुछ करना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, सारी दिनचर्या में कहीं पर भी टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट अर्थात वो सारी चीजें जो ज्ञान योग नहीं है, टाइम वेस्ट अर्थात वो सारी चीजें जो सेवा नहीं है। सूक्ष्म में अकेला जब व्यक्ति होता है तब क्या कर रहा है, कमरे में बैठकर जब कोई काम नहीं है अकेला बैठा है तब क्या कर रहा है, वो उसका चरित्र है। अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से शक्तिशाली बना रहा है या कोई और विचार उसके मन में आ रहे हैं। वो बाबा साहेब अंबेडकर को किसी ने पूछा था, आप कभी हंसते नहीं, एक भी चेहरा एक भी फोटो नहीं है जिसमें स्माइलिंग है। उन्होंने कहा था जिसको सारे भारत की चिंता है वो कैसे हंस सकता है, दिन रात जो दलित है जो शूद्र है उनके उद्धार का निरंतर सोच अंदर चल रही है तो व्यक्ति कैसे हंस सकता है। इवन जीसस क्राइस्ट का एक भी स्माइलिंग चित्र नहीं है, वैसे स्माइलिंग अच्छी चीज है पर उसका ऐसा कोई भी दिखाया नहीं है। हाँ ये जो बात है वो जिम्मेवार आत्माएं हैं, जैसे चाणक्य कोई ले लो कहीं पर भी हंसते हुए नहीं दिखाया है, मुस्कुराता है पर हंसना नहीं है, हंसने का तो सवाल ही नहीं है। खुश हो गए सफलता मिल गई, बाकी हंसेंगे उनको आगे की चिंता है। चिंता कहने से अच्छा बाबा कहते ओना फूरना फिकर उकीर, ये भगवान के शब्द है सारे, तुमको उकीर होना चाहिए, तुमको ओना होना चाहिए, तुमको फूरना होना चाहिए, तुमको चिंता होनी चाहिए। कैसे टाइम हम वेस्ट कर सकते हैं, कई लोग कहते हैं हम एक महीना पिकनिक में जा रहे हैं कहीं घूमने, घूमने जाओ पर वो टाइम वेस्ट ना हो, ये घूमने फिरने का और ये सब करने का भी टाइम नहीं है। हमारा घूमना फिरना भी ज्ञान युक्त हो अगर वो हो तो, नहीं तो वो सीधा आत्मग्लानी ही लाएगा। संसार के जितने हम साधना शिविर में बैठे हैं पिकनिक में नहीं, हमारी पिकनिक भी है वो अलौकिक पिकनिक है, टाइम वेस्ट वाली पिकनिक नहीं। इसके लिए ये सारे सम्मान कुमारियों के लिए दिए, क्या क्या, कुमारी अर्थात सब ब्राह्मणों से उत्तम, कुमारी अर्थात विश्वविद्यालय की कन्याएं स्कूल कॉलेज की कन्याएं नहीं, कुमारी अर्थात अपने संग से दूसरों को रंगने वाली, कुमारी अर्थात पूज्य, कुमारी अर्थात महानात्मा, कुमारी अर्थात राइट हैंड, कुमारी अर्थात लेफ्ट हैंड नहीं, कुमारी अर्थात देवी, कुमारी अर्थात रोने वाली देवी नहीं, कुमारी अर्थात मुस्कुराती हुई देवी, कुमारी अर्थात दृष्टि से मन से हाथों से देने वाली, कुमारी अर्थात श्रेष्ठ, कुमारी अर्थात भाग्यशाली, कुमारी अर्थात भाग्यवान। तो ये इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए है, क्यों दिए है, क्योंकि इन्हीं कुमारियों को विश्व का नेतृत्व करना है और भविष्य विश्व को चलाना है। अगले संडे की मुरली है, यहां जो तुम्हारा सोचना सब कुछ है वो वहां विधान बनेगा, तुम लॉ मेकर्स हो, लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते, खुद ही लॉ को हम तोड़ रहे हैं और हम नव विधान कैसे बनाएंगे। नव दुनिया का नव विधान हमारे द्वारा है, इसके लिए अंतर जगत में नियम टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर का जगत एक बाहर के नियम है, ये करना ये करना ये करना ये अलग है, एक है आंतरिक जगत के नियम, आंतरिक जगत के नियम इनर लॉज ऑफ द स्पिरिट, वो नियम कुछ और है, वो नियम हमारी अपनी धारणा के, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है हमको, वो हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता उसे, भगवान भी शायद नहीं कहेगा कि तुम में ये खोट है पर मुझे पता है मुझ में है। तो अपने आप को नियमबद्ध रखना चलाना, और भगवान ने जो इतने ऊंची ऊंची बातें कही है
उसी में रमन करना, बस यही ज्ञान है और यही योग है। बाकी इसके अतिरिक्त सेवाओं का विस्तार अलग बात है, पर उसमें फंस नहीं जाना है और बंधन न बन जाए वो। अपने मुख्य लक्ष्य को नहीं भूल जाना है। एक बहन है, वो बता रही थी ओम शांति भवन में बाबा मिल रहे थे सबसे, छोटी छोटी कन्याएं थी वो भी मिल रही थी, बड़े भी थे, सब लोग थे। तो वो भी बाबा के साथ आई, बाबा का शायद ध्यान नहीं था और वो आगे चली गई। फिर बाबा ने देखा, उसको वापस बुलाया वो कन्या को, और उसको फिर फल दिया और एक बात कही, क्या बनोगी? ब्रह्मा कुमारी बनोगी ना, कोई और कन्या मत बन जाना। अभी भी है, इधर ही आसपास। क्या कहा उसको कि और कोई कन्या मत बनना, ब्रह्मा कुमारी ही बनना। भगवान त्रिकालदर्शी है, देख लेता है कौन क्या बनने वाला है, किसका क्या भाग्य है। और सब ड्रामा में नूंद है, आज कई बार आया है मुरली में साकार, वो जाना भी उसका ड्रामा में नूंद है। तो इन सभी सामानों में स्वयं को स्थित रखना है। ओम शांति। राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, कई जन्मों के रोग, आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग, दुख और पाप भस्म हो जाए, योग की ज्वाला जलाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का